हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने शुक्रवार को राज्य में लोड शेडिंग के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की कोयला योजना काफी हद तक विफल हो गई है। उन्होंने राज्य के नागरिकों से बिजली की भीषण कमी के कारण 1400 से 1500 मेगावाट की लोड शेडिंग सहन करने और राज्य सरकार का साथ देने की अपील की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को बताया कि अडानी पावर कंपनी ने महावितरण को बिजली की आपूर्ति खंडित कर दी थी, जिससे राज्य में बिजली का संकट उत्पन्न हो गया है। केंद्र सरकार की कोयला योजना काफी हद तक विफल रही है, डॉक्टर राउत ने कहा। इसके अलावा कोयला मंत्रालय का रेल मंत्रालय के बीच आपस में उचित समन्वय नहीं है। कोयले के स्टॉक की कमी पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी हाल ही में एक पत्रकार परिषद में कहा था कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं देश के विभिन्न राज्यों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए विदेश से कोयला आयात करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस निर्णय से देश और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। रेलवे द्वारा निर्मित होने वाली तीसरी रेल लाइन के कारण न केवल पुराने जरीपटका और उसके आसपास रहने वाले बाधित हो रहे हैं, बल्कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र स्थित रामबाग, इंदिरा नगर, जाटतरोड़ी और तकिया जैसे इलाके भी इसकी चपेट में हैं। जमीन खाली कराने के लिए रेल विभाग ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है। इसे लेकर अब दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा विधानसभा में विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस रेल अधिकारियों से मिले और इन झोपड़पट्टी वासियों को दिए गए नोटिस वापस लेने की मांग की। चर्चा के दौरान फडणवीस ने कहा कि इन लोगों को मनपा ने मालकी पट्टे आवंटित किए हैं, यहाँ तक कि जगह प्रन्यास की है, अतः नोटिस वापस लिए जाने चाहिए। विभाग रेल व्यवस्थापक खरे और पूर्व महापौर संदीप जोशी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस परिसर में 100 वर्ष पूर्व एम्प्रेस मिल की ओर जाने वाली रेल लाइन बिछाई गई थी। गत 75 वर्षों से इस रेल लाइन का उपयोग नहीं हुआ है, जिससे मनपा ने इन्हें मालकी पट्टे आवंटित किए। झोपड़पट्टीवासी मनपा को संपत्ति कर अदा कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली मुहैया कराई गई है। पीड़ित लोगों के यहाँ 50 वर्षों पूर्व से आवास बने हुए है, अतः यह नोटिस तुरंत वापस लेने चाहिए, फडणवीस ने कहा। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत मनपा चुनाव के सिलसिले में पार्टी को सक्रिय करने के लिए नागपुर दौरे पर है। पत्रकारों से शुक्रवार को चर्चा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा उनके बार बार नागपुर आने के संदर्भ में की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनके पास सद्बुद्धि होती तो संभवतः अब भी वे मुख्यमंत्री होते। राउत 3 दिनों के दौरे पर नागपुर आए हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पार्टी पदाधिकारियों व शिवसैनिकों की सभाएं लेकर संगठन में जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर चल रही भाजपा व मनसे की बयानबाजी पर भी उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का हिंदुत्व नौटंकी है, सिगरेट फिल्म स्टार के माध्यम से भाजपा हिंदुत्व की मार्केटिंग कर रही है। राउत ने कहा कि भाजपा ने अपने हिंदुत्व की मार्केटिंग के लिए स्टंटबाजी शुरू की है। उन्होंने अमरावती की सांसद नवनीत कौर और उनके विधायक पति रवि राणा के मुंबई जाकर सीएम उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा के संदर्भ में कहा कि हनुमान चालीसा और रामनवमी श्रद्धा का विषय है। उत्तर नागपुर में हुई सभा में संजय राउत ने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि नागपुर में शिवसेना कहाँ है, वे देखे यहाँ दीक्षा भूमि से लेकर रेशिमबाग तक बुद्ध विहार, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर तक हर ओर शिवसेना है। उन्होंने कहा कि ये लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखे शिवसेना के नेतृत्व में त्रिशक्ति ने तुम्हें घर बिठाया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आने वाले 25 वर्ष तक राज्य में शिवसेना की सरकार बनेगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में बहुमत की सरकार को अधिकार दिया है। भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता हाथ से जाने पर इनके पेट में दर्द हो रहा है, एक बार फिर ऑपरेशन करना जरूरी है, हमारे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है, तो अब ये भोंगे की राजनीति कर रहे हैं। सभा में हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित थे। विधायक आशीष जायसवाल, दुष्यंत चतुर्वेदी, नितिन तिवारी, मंगेश काशीकर, सुरेश साखरे, प्रमोद मानमुड़े, किशोर कुमेरिया, दीपक कापसे, प्रवीण बर्डे, अंगद हिरुंदे, आशीष हाड़गे, अब्बास अली सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक तथा शिवसेना के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। लकड़गंज जोन अंतर्गत अलग अलग हिस्सों में लगातार कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे हैं। कई हिस्सों में पुनः अतिक्रमण होने की भनक लगते ही शुक्रवार को प्रवर्तन विभाग सक्रिय हो गया। दस्ते ने भंडारा रोड स्थित सुदर्शन नगर के स्मॉल फैक्ट्री एरिया से कार्रवाई की शुरुआत की। स्मॉल फैक्ट्री एरिया में हार्डवेयर व्यापारियों ने फुटपाथों पर ही स्टील आदि रखा हुआ था। दस्ते ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। माल जब्त होता देख विरोध किया गया, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी बनी रही, किंतु दस्ते ने कार्रवाई जारी रखी। यहाँ से सामान जब्ती के बाद दस्ता भरतवाड़ा पहुंच गया।
जहां चिकन मटन वालों ने फुटपाथ पर ही अवैध रूप से दुकानें लगा रखी थी। यहां तक कि पूरे फुटपाथ पर अवैध रूप से शेड तैयार कर रखे थे। दस्ते ने पहुंचते ही इन शेडों पर बुलडोजर चला दिया। यहां भी दुकानदारों द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया, किंतु कार्रवाई जारी रख कुल 18 शेडों को चकनाचूर कर दिया। प्रवर्तन विभाग की कड़ी कार्रवाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दस्ते ने न केवल 18 शेड तोड़ दिए बल्कि इस दौरान कुल 36 अतिक्रमणों का सफाया किया। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोविड-19 महामारी के दौरान कई लोगों के लिए तारनहार बनकर सामने आए। शहर के एक बच्चे को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए के शॉट का प्रबंध करने के लिए वे क्राउड फंडिंग में शामिल हो गए हैं। 16 महीने का विहान आकुलवार अत्यंत दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA बीमारी से पीड़ित है। बच्चे में इस दुर्लभ अनुवांशिक विकार का पता चला है और इसका इलाज बहुत महंगा होता है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने जोलगेंसमा का सुझाव दिया है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है और यह तभी सफलतापूर्वक काम करता है जब इसे समय पर इस्तेमाल किया जाए। अब तक लगभग 3 करोड़ रुपए एकत्र किए जा चुके हैं लेकिन इलाज के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता है। भारत में SMA से पीड़ित कुछ बच्चों को क्राउड फंडिंग के माध्यम से ठीक किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे को बचाने के लिए अकुलवर दंपत्ति के आह्वान के बाद अभिनेता सोनू सूद ने बच्चे को बचाने के लिए उनकी मदद करने का निर्णय लिया। पत्रकारों से बात करते हुए सोनू सूद ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य, नौकरी और शिक्षा संबंधित पहलों में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के आंतरिक हिस्सों से सबसे अधिक अनुरोध प्राप्त होते हैं। महावितरण द्वारा बिजली ग्राहकों को अनामत रकम का बिल भेजने पर भाजपा द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है। शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके ने राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग पर नाराजगी जताते हुए अनामत रकम का अतिरिक्त बिल न भरने का आह्वान किया है। दटके ने कहा, राज्य में देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में मुंबई छोड़कर 25,000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पादन कर महाराष्ट्र देश में नंबर 1 राज्य बन गया था। उनकी सरकार जाते ही महाविकास आघाड़ी के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण आज राज्य में लोड शेडिंग की समस्या उत्पन्न होती नजर आ रही है, जबकि लोड शेडिंग की समस्या केवल 2 से 3 दिनों के सटीक नियोजन से खत्म की जा सकती है। राज्य के ऊर्जा मंत्री इधर उधर की कहानियां बनाकर जनता को गुमराह करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री और वित्त मंत्री के आपसी विवाद की वजह से राज्य की जनता त्रस्त हो गई है। सिर्फ भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से बिजली ग्राहकों को अनामत राशि भरने का अलग से बिल भेजा गया है। भाजपा शहर अध्यक्ष तथा विधायक प्रवीण दटके ने नागरिकों से अतिरिक्त अनामत बिल न भरने का आह्वान किया है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 1,777 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,18,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,28,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। महावीर इंटरनेशनल सर्विस ट्रस्ट नागपुर द्वारा रोटरी क्लब ऑफ पुणे डाउनटाउन के सहयोग से मुफ्त LN4 कृत्रिम हाथ के वितरण का शिविर MLA हॉस्टल नागपुर में शुरू हुआ। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से करीब 800 लाभार्थियों ने पंजीयन करवाया था। शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी R विमला और हल्दीराम के संचालक शिव किशन अग्रवाल द्वारा किया गया। यह शिविर आज दोपहर 3 बजे तक चलेगा। जिन्होंने पंजीयन नहीं करवाया वे भी शिविर का लाभ ले सकते हैं। यह जानकारी विपुल कोठारी ने दी। अध्यक्ष अर्चना जवेरी ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ पुणे डाउनटाउन से प्रदीप मुनोत, शब्बीर जामनगर वाला, सुजाता मालवानी, रिचर्ड लोबो, विक्रांत मेमी, रुक्मिनी मोहन उपस्थित थे। महावीर इंटरनेशनल के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण इस कैंप की सफलता के लिए अथक मेहनत और प्रयास कर रहे हैं। इनमें सुनीता सुराना, शिव अग्रवाल, बबीता पारेख, मधु अग्रवाल, महेश सोनी, बिरजू अग्रवाल, हितेश सकलेचा, भावना मनावत, नितिन टाटिया, तुषार सिंघवी, संजीव चोरडिया, राजेश सुराना, संजय छाजेड़ आदि का समावेश है। राज्य सरकार की ओर से कोर्बेवैक्स टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोर्बेवैक्स टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोर्बेवैक्स टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है।
टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोकल मॉल बरडी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। मजलिस आवा ने पंजतन की ओर से हर साल की तरह इस साल भी सज्जादा नशीन हजरत बाबा सैयद मोहम्मद यूसुफ इकबाल ताजी के जेरे सरस्वती में मौला अली के योम शहादत का कुरान खवानी तकरीर, शहीदी पठन व फातिहा तथा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज शनिवार शाम 6:40 पर ताजबाग स्थित तय खानकाह सज्जादा नशीन में विभिन्न आयोजनों के साथ नियाज और दावती इफ्तार का आयोजन किया गया है। इस दिन के संदर्भ में जानकारी देते हुए सज्जादा नशीन के साहबजादे सैयद जरबीर ताजी और सैयद तालेब ताजी ने बताया कि 21वें रमजान को मौला अली हजरत शेर खुदा की शहादत 21वें रमजान सन 40 हिजरी को इराक के कूफा शहर में हुई थी। उन्हें सुबह की नमाज में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने तब शहीद किया जब मौला अली नमाज की पहली रकत का सजदा अदा कर रहे थे। हजरत अली का जन्म मक्का शहर में हुआ था। वे मुस्लिम समुदाय के चौथे खलीफा थे। वही पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीकी और हजरत अली पहले व्यक्ति है जो मुसलमान बने। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा सेवारत अध्यापकों के लिए एक सप्ताह 18 से 23 अप्रैल की ऑनलाइन कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल ने कहा कि भाषा कल्पवृक्ष है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की वाहक होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक प्रायोजित गतिविधि है जो भाषा में संपन्न होती है। शिक्षा भाषा के जरिए ही दी जाती है। भाषा दरअसल ज्ञान को आकार देने का कार्य करती है। यह संभव नहीं है कि ज्ञान कोई विकसित करे और भाषा कोई और विकसित करे। भाषा व्यक्ति और समुदाय से पृथक अस्तित्व नहीं रखती है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संदर्भ लेते हुए कहा कि यह नीति भाषा शिक्षकों की कमी एवं दक्ष भाषा शिक्षकों की अनुपलब्धता की समस्या के समाधान को अच्छी शिक्षा के लिए अपरिहार्य मानती है। कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए ऋषभ कुमार मिश्र ने भाषा और शिक्षण के संबंध की चर्चा की और बताया कि यह कार्यशाला भाषा, विभिन्न विद्यालयी विषयों की प्रकृति और विद्यार्थियों की विविधता से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए प्रस्तावित है। दूर शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर के बालराजू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डाला। महाराष्ट्र में पहली बार भाट समाज का राज्य स्तरीय अधिवेशन शेगांव में आज और कल आयोजित किया गया है। इस आयोजन में पूरे महाराष्ट्र से भाट समाज के लोग आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा पूर्व नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े ने शुभकामनाएं संदेश पत्र द्वारा दिया है। इस अधिवेशन के प्रमुख अतिथि भीमराव इदाते उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज भाट समाज नागपुर की ओर से कई समाज बंधु उपस्थित रहेंगे। आज पूर्व संध्या को राज्य भर से शेगांव में आई हुई समाज की महिलाओं का परिचय तथा हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी समय राज्य कार्यकारिणी तथा राज्य के तमाम जिलों के सभी संगठन पदाधिकारी की सभा का भी आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दो सत्रों में 24 को सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आयोजित किया जाना है। कार्यक्रम की शुरुआत मान्यवरों के हस्ते दीप प्रज्वलन तथा देवी सरस्वती माता एवं वंदनीय राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर तथा प्रार्थना एवं सरस्वती वंदना के साथ होगी। यह अधिवेशन श्री लॉन्स व मंगल कार्यालय आनंद सागर रोड विसावा भक्त निवास के निकट शेगांव बुलढाणा में भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी नागपुर के एनकार्टा सेल ने एल्युमिनी फोरम के सहयोग से बीसीसीए छात्रों के लिए हाल ही में टेक्नोवेशन 2022 का आयोजन किया। इस आयोजन में 11 टीमों ने भाग लिया और विजेता टीम पैंथर थी, जिसमें और संजना नायर शामिल थी। एसईओ, मशीन लर्निंग, फिशिंग इत्यादि विषयों पर विद्यार्थियों ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व विद्यार्थी अभिषेक पराते थे, जिन्होंने बीट लर्नर नाम का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उपक्रम शुरू किया है। पंकज पेठे ने प्राथमिक दौर का परीक्षण किया। अरुमिता पावा, एलमनाई फोरम संयोजक विशाल धबालिया, एनकार्टा सेल के प्रभारी डॉक्टर अश्विन अंकर, माधुरी बरुआ, डीन विद्यार्थी क्रियाकलाप डॉक्टर जसविंदर कौर, प्राचार्य GHRCC ST ने कार्यक्रम की सफलता के लिए डॉक्टर आरती देशपांडे, संचालक रायसोनी बिजनेस स्कूल के मार्गदर्शन में अथक परिश्रम किए। चंद्रपाल चौक से लोक सेवा प्रतिष्ठान रामधाम बंसर और आधार बहुउद्देशीय संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना महाराष्ट्र शासन द्वारा 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे आदर्श सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है।
उस समय अधिक से अधिक नागरिकों को इस भव्य विवाह समारोह का लाभ लेने के लिए चंद्रपाल चौक से पर्यटक पत्र संस्थापक रामधाम तीर्थ ने आमंत्रित किया है। सामाजिक रूप से जागरूक और दयालु व्यक्तित्व वाले चंद्रपाल चौकसे ने अपने माता पिता के शब्दों का पालन करने का फैसला करते हुए 14 साल तक रामधाम में मुक्ता आदर्श सामूहिक विवाह समारोह शुरू किया। निशुल्क आदर्श सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह समारोह का यह 14वां वर्ष है जो गरीब एवं असहाय लोग शादी के लिए कर्जबाजारी हो जाते हैं, जिनके पास शादी करने की सुविधा नहीं है उनके लिए निशुल्क सामूहिक विवाह का काम पिछले कई सालों से निर्बंध रूप से पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौकसे कर रहे हैं। विवाह समारोह के दौरान जब क्षेत्र के दूल्हा दुल्हन तथा हजारों नागरिक मौजूद होते हैं, उनके भोजन के लिए भी अच्छी व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष भी सामूहिक विवाह समारोह 25 अप्रैल को होगा। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय के पर्यावरण विभाग द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार के मार्गदर्शन में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में छात्राओं ने गमलों में पौधे लगाए तथा पर्यावरण दिवस पर संकल्प लिया। प्राचार्य ने अपने संदेश में छात्राओं को कहा कि पेड़ पौधे लगाए, पानी का संरक्षण करें, प्लास्टिक का उपयोग न करें, ईंधन बचाइए, बिजली बचाइए, साइकिल का उपयोग करें। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर चेतना पाठक सहयोगी प्राध्यापिका ने किया तथा प्राध्यापिका गीता गलानी ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम सफल बनाने में डॉक्टर बबीता थूल और डॉक्टर मीना बाल पांडे, डॉक्टर मुग्धा देशपांडे, डॉक्टर मंजूषा डबली का योगदान रहा। कार्यक्रम में छात्रों ने भारी संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम सफल बनाया। पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल एवं केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नंदनवन नागपुर में संचालित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी प्रभारी सहायक निर्देश के अथक प्रयास से नागपुर महानगर पालिका लकड़गंज जोन के स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं घर घर कचरा संकलन कर्मचारियों का अनुसंधान केंद्र में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर एवं दवा वितरण का आयोजन किया गया। मनोज अग्रवाल द्वारा लकड़गंज जोन के जोनल अधिकारी आंशिक बंसोड़ से संपर्क कर एवं संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर सूर्यवंशी की सूचना अनुसार यह शिविर का आयोजन किया गया। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का पूजन कर अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित किया। डॉक्टर सूर्यवंशी ने सभी को आयुर्वेद की जीवन शैली के बारे में बताया और भगवान से सभी के स्वास्थ्य को मंगल कामना की। अग्रवाल ने अपने व्याख्यान में डॉक्टर सूर्यवंशी एवं उनके हॉस्पिटल टीम का इस शिविर के लिए आभार व्यक्त किया। मनपा जोनल अधिकारी बंसोड़ ने डॉक्टर सूर्यवंशी एवं मनोज अग्रवाल का विशेष आभार व धन्यवाद माना। इस शिविर में डॉक्टरों द्वारा सभी का हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटने के दर्द वगैरह का विश्लेषण किया गया और जांच के पश्चात आयुर्वेद औषधि के साथ च्यवनप्राश तथा संशमनि वटिका वितरण किया गया। श्री श्री राधाकृष्ण भक्त परिवार की ओर से श्री मधुसूदन बापूजी की प्रेरणा से बाल संस्कार शिविर का आयोजन 25 अप्रैल से 28 मई तक किया जा रहा है। दरअसल छोटे बच्चों की बुद्धि खाली पात्र के समान होती है। आजकल बच्चे मोबाइल एवं अन्य गैजेट्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। ऊपर से कोरोना महामारी के दौरान पढ़ाई में भी बहुत बच्चे काफी हद तक पीछे हो गए हैं और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वे माता पिता का भी अनादर कर रहे हैं। ऐसे बच्चों में अच्छे संस्कार भरने के लिए यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में बच्चों की 6 से 14 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है। जरीपटका में प्रतिदिन सुबह 9:30 से 11:15 बजे तक राधा कृष्ण स्थान कस्तूरबा नगर गली नंबर 2 में एवं खामला में प्रतिदिन सुबह 9:00 से 10:15 बजे तक श्री मधुसूदन धाम सिंधी हिंदी स्कूल सिंधी कॉलोनी में यह शिविर का आयोजन किया जाएगा। संस्था ने भक्तों से विनंती की है कि अवश्य अपने बच्चों को इस शिविर का हिस्सा बनाए ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आए और उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। जनसंपर्क कौशल के बल पर समाज में सहयोग और विश्वास की भावना पैदा करना संभव है। सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के निदेशक हेमराज बागुल ने कहा कि इसके लिए जनसंपर्क क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को आपसी समन्वय से रचनात्मक पहल करने की जरूरत है। वे रवि भवन में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में वेस्टर्न कोल फील्ड प्रशासन और जनसंपर्क महाप्रबंधक डॉक्टर पी नरेंद्र कुमार देहरादून, PRSI की प्रतिनिधि डॉक्टर विनीता बैनर्जी नागपुर, PRSI की नागपुर विभाग के अध्यक्ष SP सिंह उपस्थित थे।
जनसंपर्क अधिकारी के बतौर कोरोना काल किए गए कार्यों का संज्ञान लेते हुए ऊर्जा मंत्री के विशेष कार्यकारी अधिकारी तथा महाजिनको के जनसंपर्क अधिकारी यशवंत मोहिते को PRSI की ओर से बेस्ट PRO ऑफ द ईयर पुरस्कार दिए जाने पर मोहिते का स्मृति चिन्ह व तुलसी का पौधा देकर जनसंपर्क संचालक हेमराज बागुल ने सम्मान किया। बागुल ने कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के संकट से पीड़ित समाज में जनसंपर्क के क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों और संगठनों में विश्वास और सहयोग की भावना पैदा करने के लिए आगे आने की जरूरत है। HCG हॉस्पिटल कलमना में भर्ती मरीज जबलपुर रहवासी संगीता शाहू ब्लड कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रही है। चिकित्सकों ने संगीता के पति अनिल कुमार शाहू को बताया कि उनकी पत्नी के इलाज के लिए अर्जेंट बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोनर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चूंकि अनिल का नगर में किसी से भी परिचय नहीं था, किसी ने सिंधु युवा फोर्स से संपर्क करने की सलाह दी। संपर्क होने पर सिंधु युवा फोर्स के अध्यक्ष गुड्डू केवल रामानी ने हॉस्पिटल के चिकित्सक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया उन्हें ऐसे ब्लड ग्रुप का डोनर चाहिए जो कि आसानी से नहीं मिलता। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तैयार डोनर को एक दिन पहले इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देनी पड़ती है। उस प्रक्रिया के पश्चात दूसरे दिन वह रक्तदान कर सकता है और ब्लड डोनेशन के पहले पुनः उनकी ब्लड टेस्ट भी की जाती है और इस पूरे रक्तदान की प्रक्रिया में कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। सामाजिक संस्था सिंधु युवा फोर्स के जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ सदस्य नंदलाल जयसिंघानी को पहले भी काफी बार प्लाज्मा और डोनेशन का अनुभव रहा है। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में व्हाइट ब्लड सेल देकर मरीज की जान बचाई। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।